अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग जो हो रही है फिर से एक वेडिंग फंक्शन से हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे वेडिंग में गए थे, और ये हमारे खाला की देवरानी की बेटी की शादी थी। माशाल्लाह उनकी 3 बेटियाँ हैं, तो उनकी ये दूसरी बेटी की शादी थी, और खाला के घर की शादी थी। तो भाई समझ लीजिए हम लोगों का भी रिलेशन काफ़ी क्लोज़ है। तो बस छोटा छोटा वहाँ पे हमने शूट कर लिया था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दे। भाई शादी ऐसी चीज़ है ना, चाहे हम किसी को जाने या ना जाने, पर देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने उसकी वीडियो जो बनती है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और ये हमारा माशाल्लाह हादी देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है। तो बच्चों ने जो थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, ये ना हम लोग गए थे 20th को, फेब, हाँ 20 को ये शादी थी। तो अगले दिन आलिया का एग्ज़ाम भी था, मैंने स्टार्ट हो रहा था 21st से। तो पहले हम इसको पहले ही डालते, लेकिन इसके पहले भी आपको वेडिंग दिखा दी थी, तो फिर हमको लगा कि 2 व्लॉग में एक साथ वेडिंग दिखा देंगे तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, कि आप फिर एक ही जैसा हो जाता कंटेंट, के रोज़ रोज़ वही है वही है। तो खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और देखिए बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे हमारे इकट्ठा थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। और शादी ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर सब से मुलाकात हो जाती है भाई, ऐसे तो देखिए टाइम मिलता ही नहीं है किसी से मिलने का। और यहाँ पे ये देखिए हम किससे मिले, तो ये हमारी डॉक्टर ललिता शुक्ला हैं, और हमारे यहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो उन्हें ज़रूर आप जानते होंगे। और ये हम आलिया के टाइम में ये हमारी गायनिक थी, और भाई आलिया की बर्थ इनके ही हाथों से हुई है। तो भाई बच्चे की पैदाइश में गायनिक का बहुत बड़ा रोल होता है, और साथ में अल्लाह की तो मर्ज़ी होती ही होती है। तो सोचिए हम इनके पास बहुत पहले, यानी जब हम छोटे थे, यानी जब से समझदार हुए थे इनके पास जाते, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है ना डॉक्टर अनिल शुक्ला, वो भी फिजिशियन है। तो बारात आ गई थी और हम लोग वापस निकल रहे थे, भाई आलिया का पेपर है ना। तो बताया ना आपको नेक्स्ट डे पेपर था आलिया का, तो हम लोग को जल्दी वापस आना था, इसलिए हम लोग रुके नहीं थे, बहुत जल्दी वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे। बस बाहर बारात थी, तो बारात की थोड़ी सी क्लिप वहाँ पे शूट कर ली थी, बना ली थी, आपके साथ शेयर कर दी है। कल छोटे से भाई का मेरा बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। पता नहीं मैं कल आ पाऊँगी नहीं, वैसे नहीं आ पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे पे लिटरेचर का पेपर रहेगा। तो हैप्पी बर्थडे। तो आलिया ने जैसे आपको बता दिया कि 21st को आबान का बर्थडे भी था, बट क्या करें आलिया का पेपर है इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जाया जाए। पेपर तो 21st को ही था आलिया का, तो हम लोग रात में जा सकते थे, लेकिन आलिया का मूड नहीं था जाने का। फिर उसके बाद से सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। और फिर शाम को 3:30 बजे के करीब ऑल ऑफ सडन देखिए कैसे ज़ोर से बारिश होने लगी, मौसम एकदम से बदल गया, और थोड़े बहुत ओले भी गिरे थे। फिर नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे का हम आपको दिखा रहे हैं कल, यानी कल हमने ये देखिए क्या बनाया था, वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रफली चॉप करके 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, थोड़ा सा इसमें हमने काजू डाला था, काजू 10-12 काजू है उसे ऐड कर दिया था, और इसके साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी आप ऐसे ही डाल दीजिएगा, चाहिए तो तोड़ दीजिए 20 से। तो हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसमें 2 बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया था, छोटा है तो आप 3 ले लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, अभी नमक कम ही डालेंगे, पानी बहुत ज़रा सा डालेंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर अभी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो बस इसे टेंडर करना है, एक प्रेशर आ जाए, थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे पका लीजिए। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का मेथी मलाई पनीर। तो ये रेसिपी वैसे हो सकता है आप बनाते हो, लेकिन देखिए हम कैसे बनाते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनेगा और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, रेसिपी बहुत इजी होगी। तो उसके बाद पनीर कट करके उसे मैरिनेट करना है, तो इसमें नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है,
बस जितनी देर वो टेंडर हो रहा है ना मसाला हमारा प्याज टमाटर, बस उतनी देर के लिए इसको रख देंगे और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो एक बार हमारे कहने पे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, फ्रेश मेथी से ये बनेगा। आजकल देखिए मेथी आ भी बहुत रही है, वैसे अब जाने का टाइम तो हो गया है ना, फ्रेश मेथी अब नहीं मिलेगी। तो मेथी जब आ रही है तो फिर देर किस बात की है, अभी बची हुई है मेथी। तो जल्दी से फटाफट आप इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए, हमने कहा ना इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही इजी सी है और सारे मसाले जो इसमें डलेंगे ना आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। तो भाई देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी रेसिपी दें जो बहुत इजीली आप उसे बना सकें लेकिन उसका टेस्ट जो हो वो बिल्कुल अमेजिंग हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। और भाई जो भी खाए वो आपसे एक बार रेसिपी ज़रूर पूछे। तो मसाला ये देखिए हमारा टेंडर हो गया था, अब इसे ग्राइंड करने की बारी है। तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट 2 चम्मच डाल करके ग्राइंड कर लेंगे, यानी नारियल का बूरा। अब देखिए तेल गरम कर लिया, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं। इसमें हमने तेज़पत्ता डाला है और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें और कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत अच्छा सा कलर आता है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, नहीं तो अदरक लहसुन और मिर्च जो है वो जल जाएगी। और इसके बाद फौरन आप इसमें जो मसाला आपने ग्राइंड करके रखा है उसे डाल दीजिए, जार को वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब बारी है मसाले को भूनने की, तो भाई कवर करके मसाले को भून लीजिएगा, बीच बीच में इसे चेक करते रहिएगा। देखिए इसमें काजू जो डला हुआ है, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट डला है तो छींटे उठती हैं, तो ये काम ध्यान से करिएगा। नमक थोड़ा सा हमने इसमें और ऐड कर दिया है। तो ये हमारा मसाला जब तक रेडी हो रहा है तब तक हमने यहाँ पे फ्रेश मेथी जो थी वो कट कर ली थी, हरी मेथी जो थी। अच्छा, मेथी हमेशा पत्तियों से आप तोड़ा करिए, उसमें स्टेम मत रखा करिए। तो पत्तियों से मेथी को हमने तोड़ करके 2 मुट्ठी है मेथी कट करने के बाद, यानी 1 कप आप मान लीजिए 1 कप मेथी थी, इसमें हमने मेथी डाल दिया है। थोड़ी देर कवर कर देंगे, उसके बाद मसाले के साथ इसे भून देंगे और यहाँ पे जो हमने पनीर फ्राई करके रखी है अब पनीर इसमें ऐड कर देंगे। बस देखिए हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी हो गई है। देखिए ग्रेवी इसमें हम दूध से लगाएंगे, तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें दूध डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। वैसे मेथी जो पनीर बनती है ना, कसूरी मेथी भी उसमें डाली जाती है, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। पर जब फ्रेश मेथी है हमारे पास तो फ्रेश मेथी से बना लेते हैं। तो आज हम देखिए फ्राइडे का दिन था और यहाँ पे पनीर लाए थे हस्बैंड, तो पनीर बना ही रहे थे, तो हमने कहा उसके साथ चलिए अब दूसरी भी एक बना लेते हैं कोई रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरा आलू स्पाइसी सा मसाले वाला बना रहे हैं, तो इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ज़ीरा डाला है, हींग डाला है, आलू बॉईल करके रख दिया था। आलूओं को इसमें डाल करके बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि बड़ा अच्छा सा एक आलू पर फ्लेवर आ जाए, जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक देखिए साथ में ही डाल दीजिएगा। तो बोला था फ्राइडे था और आज हमारे जो जेठ हैं ना बड़े वाले, यानी आलिया के बड़े डैडी, वो भी आ रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भाभी हैं नहीं, वो घर गई हुई हैं। इसके बाद देखिए इसमें हल्दी डाली है, उसके बाद कुटा हुआ अदरक थोड़ा सा डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। अब ये मसाले जो हैं डालने की बारी है, चिली फ्लेक्स डाल देंगे या कुटी हुई मिर्च जो होती है वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा ही सा जाएगा, ज़्यादा नहीं। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। इन सबको डाल करके इसे मिला देंगे अच्छे से और लास्ट में इसमें काला नमक, काला नमक ज़रूर डालिएगा। हलवाई वगैरह जो बनाते हैं, आपने अगर शादियों में भी खाई होगी, किसी पार्टी या रेस्टोरेंट में खाई होगी, तो इसका फ्लेवर जो होता है काला नमक से आता है, तो लास्ट में इसमें काला नमक डाल दीजिएगा। देखिए ध्यान से डालिएगा मसाले। अब देखिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि सारे मसाले आपस में लपट जाए। अब धनिया डालने की बारी है, धनिया डाल देंगे, अच्छे से भून देंगे। तो ये देखिए हमारा ज़ीरा आलू स्पाइसी सा रेडी हो गया है और उधर हमारी मेथी जो है वो भी रेडी हो गई है, पनीर मेथी जो बनाया था। उसके बाद अब रायते की बारी थी, तो बथुए का रायता बना रहे थे, तो उसकी रेसिपी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने उसकी रेसिपी आपको पहले ही दे रखी है। तो अगर आप कहिएगा तो दोबारा हम आपको ये रेसिपी दे देंगे। तो
और अब क्या करते इसके साथ, हमने सोचा, हमने क्या सोचा था, फिर आलिया आ गई थी तो आलिया का कहना था कि पूड़ी बना लीजिए इसके साथ, क्योंकि आज आलिया का पेपर था। आलिया भी गई हुई थी स्कूल, तंजिया कॉलेज गई हुई थी और घर में काम जो है वो चल ही रहा है। तो आज ये देखिए बगल वाला जो हमारा फ्लैट है उसको भी हम लोगों ने खुलवाया था, खाली पड़ा हुआ है, आजकल कोई नहीं है उसमें। तो ये हुआ कि इधर से डक है तो शायद उधर से कोई पानी आ रहा हो तो वहाँ इससे ये दिक्कत हो रही हो। तो इतना ज़्यादा काम फैला हुआ था, साथ में हमने खाने का भी काम फैला दिया था इतना सारा, बच्चे भी नहीं थे तो आज सब कुछ अकेले ही अरेंज करना पड़ा। और यहाँ पे मटर पुलाव बना लिया था और आटा नीट करके रख दिया था पूड़ियाँ बनाने के लिए, कि सब लोग आ जाएं खाना खाने बैठें तब पूड़ियाँ बनाएं फ्रेश। कैसा हुआ पेपर आलिया? अच्छा गया। अच्छा हुआ? अच्छा गया मतलब बहुत अच्छा कि अच्छा? अच्छा। बहुत अच्छा नहीं हुआ? हाँ बहुत लेंदी था ना। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर? कोई नहीं छोड़ा तो कोई नहीं। अच्छा, सब में आंसर डाल दिया लेकिन एन वक्त तक लिखते रहे सर, लास्ट मोमेंट तक। चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जो गया रात गई बात गई, भूल जाओ, अगले की तैयारी करो। ये पानी कहाँ जा रहा है? अभी नहीं पता चला, अब उसी को चेंज करेंगे, देखिए कहाँ से लेता है। एक आदमी कौन आया ठीक करने? वो प्लम्बर कोई है, वो वहाँ से उन्होंने भेजा है क्या? हरबान ने। हरबान। और मीठे में हमने क्या बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। तो आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।